नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। एक बहुत ही लंबे गैप के बाद में दोस्तों आज ये वीडियो आई है और हम किसी और दिन इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इतना लंबा गैप आखिर क्यों हुआ था। फिलहाल दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक रिनोवेशन के ऊपर है, या यूँ कहूँ तो मेरे पूर्वजों की एक धरोहर राजदूत बाइक जो कि बहुत ही मेरे जन्म के पहले की है। कुछ टाइम पहले वो एक स्क्रैप में पड़ी हुई थी, उसको मैं लाया हूँ अभी और उसका जो है रिनोवेशन करना है। तो पहले मैंने प्लान किया था कि इसको मैं मैकेनिक से करवाऊंगा, तो बाद में फिर मैंने देखा कि यार इसको खुद से करके देखता हूँ कि ये मेरे से हो पाती है नहीं। एक राइट हैंड साइड का जो कवर फेंडर था उसको मैंने पेंट करके भी देखा था कि मैं क्वालिटी मेंटेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज जो है उसका जो काम है रिनोवेशन का मैं स्टार्ट करूँगा, तो सोचा क्यों ना आप सभी के साथ में इस पूरी चीज़ को शेयर किया जाए। यूँ भी मैं बहुत जल्दी अपने YouTube के जो वीडियोस हैं उनको रिज्यूम करने वाला था। इसमें दोस्तों जो रिनोवेशन का काम होगा, कलर डेंटिंग पेंटिंग का, ये सारा काम मैं अपने खुद से करूँगा। कुछ चीज़ें जो है जैसे कि इंजन का है, कुछ कंपोनेंट्स उसमें ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से जाम है और यहाँ के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इनको मैंने ऑर्डर किया है। इंदौर बोला है और दिल्ली ऑर्डर हुआ है करोल बाग में। तो जैसे कि कुछ साइलेंसर हुआ और व्हील रिंग हुई, ये चीज़ें तो अवेलेबल है, तो इसके लिए फिर एक कभी बाद में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इंजन, वायरिंग, व्हील रिंग्स और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको छोड़ के बाकी का जो है इसको केवल एक अच्छी कलर करके इसको खड़ी कर दूंगा मैं भी, जो कि अभी रनिंग कंडीशन में नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों ये इस हालत में है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से इसमें बहुत अच्छे किस्म की रस्ट लगी हुई है। ये क्योंकि ये काफ़ी साल से ऐसी पड़ी हुई थी और बाहर आउटडोर में पड़ी हुई थी, ये जो राइट हैंड साइड की जो पैनल है इसको अभी कुछ दिन पहले मैंने बतौर एक प्रयोग मैंने ट्राई किया था कि अगर पेंटर को न देते हुए इसको मैं घर पर रिस्टोर करूं तो मेरे से ये कलर की क्वालिटी कैसी क्या आएगी। तो ये बढ़िया हुआ था, इसमें कुछ एक कोट जो लगाना था वो मैंने लगाया नहीं था, तो इसको वापस से निकाल के फिर से इसको रिपेंट करूँगा मैं। और ये और ये जो है ये लेफ्ट पैनल। तो दोस्तों बारी आती है अब इसको खोलने की, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा, पूरी इंजन डाउन करूंगा और उसके बाद में जो है इसका जो रस्ट क्लीनिंग है और सारा जो डेंट पेंट का वर्क है वो मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये दोस्तों सारी इसके जो पाने हैं वो मैंने खोल लिए हैं। मैंने प्लान किया था कि पूरी आपको खुलने का वीडियो मैं आपको बताऊंगा, तो एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है खोलने में, क्योंकि कुछ नट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से सड़ चुके हैं, वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए जो मेजर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको खोल के पूरा कम्प्लीट जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिप्स के हिसाब से। Yeah.
तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है और कुछ नट्स और ये तो ऐसे थे कि जिनको मतलब 10-10 15-15 मिनट तक WD-40 डाल के और गलाना पड़ा था। और फाइनली जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारा जो है वो मैंने खोल लिया है। अगर सक्सेस रहा तो ही ये जो वीडियो है यूट्यूब पे आएगा। एक चैलेंज है कि इसको मैं क्या रिस्टोर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या फिर कैसा होता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि मतलब रनिंग कंडीशन में नहीं। कल जो है इसकी पूरी क्लीनिंग का काम करना पड़ेगा। इसमें जो है सैंड पेपर और रोलर वगैरह सारे जो है हाथ से तो घिसने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं मशीन से इसका पूरा जो है रस्ट क्लियर करूँगा। उसके बाद में थोड़ा सा जो डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ वेल्डिंग का काम है वो करके और फिर उसको मतलब 2 दिन बाद में तीसरे पार्ट में कलर का काम करेंगे हम। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आपको सामान दिखा देता हूँ और अगले पार्ट का आप थोड़ा इंतज़ार करिए। ये दोस्तों पूरा जो है चीज़ और ये सारा जो है मैंने इसको खोल दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले पार्ट में।